खनिया थाना विकास खंड अधिकारी ने नहीं दी सूचना के अधिकार की जानकारी। मामला पिछोरन विभाग के खनिया थाना का है, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी से मांगी तो वह जानकारी देने से बचते नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि खनिया थाना विकास खंड में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि अतिथि शिक्षक घोटाला, IFMIS पोर्टल की आय व्यय में घोटाला, शिक्षकों के स्वीकृति अवकाशों में घोटाला, ऐसे तमाम घोटाले हैं जो खनिया थाना विकास खंड में हो रहे हैं। इसी बात को लेकर मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, जिस पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र सूर्यवंशी जी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। प्रथम अपील के बाद दूसरी अपील पर मुझ प्रार्थी से पैसे की मांग की गई, क्योंकि पहली अपील के बाद किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। उसके बावजूद 9,600 रुपये की शुल्क मांगी गई, जो शुल्क नहीं लगती वह देने को भी मैं तैयार था। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में लुप्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने मुझे जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। जहां एक ओर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के आरोप शिक्षा विभाग पर लग रहे हैं, जिस पर सवालों निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। कृष्णम द्विवेदी। अच्छा जी, आपने जो आईटीआर लगाई है, आप क्या समस्या थी और क्या है? मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के समक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आरटीआई को लगाया, सूचना के अधिकार मैंने जानकारी मांगी थी, क्योंकि खनिया थाना में बहुत सा भ्रष्टाचार हुआ है और शिक्षा विभाग में जिसमें अधिक से अधिक भ्रष्टाचार हुआ है, अतिथियों में भी भ्रष्टाचार है और IFMIS पोर्टल के द्वारा कई बिलों को गलत तरीके से कर दिया गया, उसके संबंध में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो इसी के लिए मैं अपनी आवाज़ इसीलिए बुलंद की है और सूचना के अधिकार के तहत मैंने जानकारी मांगी। लेकिन प्रथम अपील लगाने के बाद भी द्वितीय अपील के लिए मैं तैयार हूँ जाने के लिए। प्रथम अपील के बाद कोई पैसा नहीं लगता, उसके बावजूद भी बीओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी और गणक के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है कि 9,600 रुपये जमा करिए और इसके बाद जानकारी प्राप्त करिए। विकासखंड के अधिकारी हैं BK सूर्यवंशी जी, प्रकाश चंद्र सूर्यवंशी जी हैं, जो क्या है कि बहुत कम अपने मुख्यालय पर रहते हैं, अक्सर छुट्टियों पर ज़्यादा रहते हैं। वो सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दे रहे हैं? नहीं दी गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिक है वहाँ और भ्रष्टाचार में वह अधिकारी और सब ऊपर के अधिकारी भी उनके साथ लिप्त हैं। जिला के जिला शिक्षा अधिकारी भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो फ़ोन नहीं उठाते, उनको बार बार संपर्क करने के बावजूद भी उनका सुनवाई नहीं होती है।